अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा ब्रांड न्यू पुणे 11 मरले पर बना हुआ कॉर्नर का बहुत ही खूबसूरत घर। ये आप घर की फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं और इसके अलावा आपको मैं बाहर की लोकेशन दिखा रहा हूँ। साफ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत माहौल है और ये कॉर्नर का घर है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके सामने वीडियो में सारी डिटेल्स आ सकें, घर की लोकेशन, घर के प्राइस, घर का खूबसूरत डिज़ाइन और कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकॉन लाजमी दबाइएगा। तो आइए अंदर चलते हैं। ये इसका गैराज है जिसमें तकरीबन 2 से 3 गाड़ियां बिल्कुल आसानी से खड़ी हो सकती हैं। सामने कुरानी आयत लिखी हुई है और उसके साथ ही अंदर जाने के लिए रास्ता है और इसी तरह से बिल्कुल सामने खाली जगह छोड़ी हुई है। और इस साइड पर भी छोटी सी गली छोड़ी हुई है जो कि कानून के मुताबिक है। और गैराज में आप सीलिंग डिज़ाइन भी देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अंदर। अंदर जाते ही आपके लेफ्ट हैंड पे ड्राइंग रूम आ जाता है, सामने टीवी लाउंज के लिए रास्ता है और इसी तरह से राइट हैंड पे ऊपर जाने के लिए रास्ता है और ये पाउडर रूम बना हुआ है। इस साइड पे ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप इस पोर्शन की देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। और उसके बाद आपको इसका पाउडर रूम दिखा देता हूँ। इसके बाद चलते हैं ड्राइंग रूम में। बड़ा ड्राइंग रूम है, इस साइड पे वेंटिलेशन, सामने दीवार पे बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर के साथ काम और राइट हैंड पे टीवी लाउंज में जाने के लिए रास्ता है। इसी तरह से नीचे भी आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत काम हुआ है और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन फानूस के साथ आप देख सकते हैं। दूसरे दरवाजे से चलते हैं टीवी लाउंज में। ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, उसके साथ ही एलईडी पॉइंट, सामने दीवार पे निश बनी हुई और बिल्कुल सामने नीचे वाला बेडरूम, दीवार पे शीशा लगा हुआ है और राइट हैंड पे भी एक बेडरूम, उसके साथ ही किचन आ जाता है। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन टीवी लाउंज में आप देख रहे हैं फानूस के साथ, बहुत ही एक खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं किचन में। बहुत ही खूबसूरत किचन बना हुआ है, ओवन वगैरह तकरीबन मुकम्मल एक्सेसरीज के साथ है, फ्रिज के लिए जगह बनी हुई है, वुडवर्क का काम बहुत अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेसेबल किचन है। इस साइड पे आप चूल्हा वगैरह देख सकते हैं। नीचे टाइल्स किचन की आप देख रहे हैं और उसी तरह से ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आप किचन की देख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं नीचे वाले बेडरूम में। मास्टर बेडरूम है, बड़ा बेडरूम, बेहतरीन बना हुआ, सामने अटैच वॉशरूम, उसके साथ बिल्कुल सामने दीवार पे वॉलपेपर का काम बहुत ही खूबसूरत और राइट हैंड पे वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। नीचे टाइल्स आप देख रहे हैं इस बेडरूम में, इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। बड़ा वॉशरूम है, बेहतरीन वॉशरूम बना हुआ है। ये सामने इसमें नहाने के लिए सेपरेट जगह बनी हुई है। इस बेडरूम की जो अलमारी है वो वॉशरूम के अंदर बनी हुई है और वो आप देख रहे हैं।
चलते हैं दूसरे वाले बेडरूम में, ये भी मास्टर बेडरूम है, बड़ा सामने अलमारी, उसके साथ ही वेंटिलेशन, अटैच वॉशरूम और इस साइड पे दीवार पे वॉलपेपर का काम बहुत ही अच्छा है। इस बेडरूम का आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ, ये भी बड़ा वॉशरूम है, स्पेसेबल है। इसके बाद चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, जहाँ पे तीन बेडरूम्स आ जाते हैं, टीवी लाउंज आ जाता है और सेपरेट किचन आ जाता है। ये सीढ़ियों का नज़ारा मैं आपको ऊपर से करवा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन और ये टेरेस बनी हुई ऊपर वाले पोर्शन के साथ। इस पोर्शन के ऊपर सीलिंग डिज़ाइन और सामने आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत माहौल है। इसके बाद आपको बाहर लिए चलते हैं टेरेस में, यहाँ से आप बाहर का नज़ारा कर सकते हैं बड़ा बेहतरीन। चलते हैं अंदर टीवी लाउंज में, ये इसका टीवी लाउंज है, इस साइड पे किचन, उसके साथ ही एक बेडरूम, सामने एक और बेडरूम, दीवार पे निश और सामने बिल्कुल एलईडी पॉइंट और एक बेडरूम लेफ्ट हैंड पे आता है जो कि फ्रंट पे। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन टीवी लाउंज की आप देख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं इसके किचन में, ये भी सेपरेट किचन है, स्पेसेबल है, बेहतरीन, इसमें भी वुडवर्क का काम हुआ है। इसके साथ ही आपको इस घर की लोकेशन बताता चलूं, इस घर की लोकेशन बहरिया टाउन लाहौर है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं, नंबर बंद होने की सूरत में या किसी मजबूरी की वजह से कॉल अटेंड ना करने की सूरत में आप व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फ्रंट वाले बेडरूम में, ऊपर जो बेहतरीन बड़ा बेडरूम है, ये भी सामने बिल्कुल अटैच वॉशरूम, उसके साथ ही वेंटिलेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह और इस साइड पे दीवार पे वॉलपेपर का काम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ से इस बेडरूम से आप बाहर का भी नज़ारा कर सकते हैं, नीचे टाइल्स का काम, सामने दीवार पे वॉलपेपर बहुत खूबसूरत, इसी तरह से ऊपर सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। इस बेडरूम का आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ, बड़ा वॉशरूम है, स्पेसेबल है ये भी और बेहतरीन बना हुआ है। इस साइड पे इस बेडरूम की अलमारी बनी हुई है। इसके बाद चलते हैं बैक वाले बेडरूम में, इसमें भी अलमारी, सामने वॉशरूम, उसके साथ ही वेंटिलेशन और इस साइड पे दीवार पे वॉलपेपर का काम बहुत ही खूबसूरत और इसी तरह से नीचे टाइल्स भी आप इस बेडरूम की देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको ऊपर की सीलिंग दिखा रहे हैं और फिर आपको इस बेडरूम का वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये इसका वॉशरूम है, बड़ा वॉशरूम है, ये भी स्पेसेबल, बेहतरीन बना हुआ है। तीसरे बेडरूम में चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन के और उसके साथ ही आपको इस घर की प्राइस बताता चलूं। इस घर की जो डिमांड है वो 2,90,00,000 रुपये है, 2,90,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है, क्योंकि कॉर्नर का घर है और फिर तकरीबन पौने 11 मरले का है और बहुत ही खूबसूरत A+ बना हुआ है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप रابطہ करके अपनी ऑफ़र दे सकते हैं।
ये इस बेडरूम का वॉशरूम है, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत बड़ा वॉशरूम बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वॉशरूम में टब भी है नहाने के लिए बकायदा, और ये आप देख रहे हैं बड़ा ही एक ज़बरदस्त माहौल बन जाता है इस कमरे का। इसके साथ ही चाहते हैं आप हज़रात से इजाज़त, हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने नेक दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन हज़रात के पास अपने घर नहीं है अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से उन्हें अपने घर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।